खबर शामिल करते हैं जाफराबाद से। बलोचिस्तान से हमारे वॉइस ऑफ मकरान के ब्यूरो चीफ जुमा खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस क्लब जाफराबाद के आगे माजूर के यूनियन सदर एहतजाज कर रहे हैं। एमपीए जाफराबाद के खिलाफ एहतिकात, माजूर यूनियन सदर, वज़ीर आला बलोचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान, डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद से अपील करते हैं कि खुदारा हमें हक दो जाफराबाद। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला जाफराबाद प्रेस क्लब के सामने। आज तीसरा रोज़ हो गया है कि मज़दूर यहाँ एहतजाजी कैंप लगाए बैठे हुए। इन्हों के मुतालबात क्या है नए एमपीए से और इन्हों का मज़ीद क्या कहना है, आइए हम मज़ीद इससे पूछते हैं। जी क्या मसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि आज हमारा तीसरा रोज़ है जो है भूख हड़ताली कैंप जारी है, मज़दूर अफराद के हकूक के बारे में हमारे मुतालबात अभी तक नहीं माने गए हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है, हम यहाँ बैठे रहेंगे जब तक हमारे मुतालबात जो है नहीं मानेंगे। किसी भी तरह यहाँ पे जो है माजूर अफराद को रिलीफ नहीं मिल रहा है, लेकिन हम मजबूरन जो है एमपीए जाफराबाद अब्दुल मजीद बादेनी के खिलाफ यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमारे हकूक, हम अपने हकूक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने। आप क्या कह रहे हैं? शुक्रिया। जैसे आपको मालूम है आज तीसरा दिन है जाफराबाद के प्रेस क्लब में हम लोगों का भूख हड़ताली कैंप, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारा एमपीए साहब माजी में बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, बड़ी बड़ी वादे कर रहा था, लेकिन अफसोस की बात है अभी जो यहाँ से चंद दिन पहले मेरे दोस्त के साथ यहाँ से जाते तो उन्होंने गाड़ी का पर्दे नीचे कर माजूर इतना उनको गुस्सा आ रहा है, लेकिन उनको ये बता देना चाह रहे हैं अल्लाह की आवाज़ बेलाटी है, लेकिन ऐसे मत करो। आपने कहा था कि मुझे अगर अल्लाह ने मौका दिया कि माजूरों को किसी के पास जाने का ज़रूरत नहीं है, आज माजूर आपके पीछे आ रहे हैं, आप उनसे और गाड़ी का पर्दे नीचे कर उनसे मिलना नहीं चाहते हो, अफसोस का बात है, लेकिन कोई मसला नहीं है। चाहे हमें यहाँ 10 दिन लगे, चाहे 20 दिन लगे, चाहे महीना लगे, हम बैठेंगे इंशाल्लाह, अपना हक हम ले कर रहे हैं। जी हाँ, तो नाज़रीन ये थी मजदूरों की जो है अपने दिल और दुख की फरियाद। वॉइस ऑफ मकरान न्यूज़ के साथ जुमा खान जमाली, ज़िला जाफराबाद।